नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक घर है। ठीक, यहाँ पर भाई साहब एक घर है। ओके, इस घर में जाने के लिए सरकार ने एक रास्ता बनाया ऑलरेडी पहले से। ठीक, ये रोड है, ठीक है ना, ये रोड है। इस घर में जाने के लिए एक सरकार रास्ता बनाए हुए है। यहाँ से जब लोग जाते हैं ना, इस घर में यहाँ से लोग जाते हैं, तो इनको जाने में लगता है 25 मिनट। ठीक, और लोगों ने क्या किया, इस रास्ता को छोड़कर यहाँ से एक रास्ता बना दिया, ऐसे जाने लगे। यहाँ से जाने में लगता है 10 मिनट। तो लोगों ने अपने आप से इसको छोड़ के इसको रास्ता बना दिया। तो ऐसा ही पृथ्वी है, भगवान ने पृथ्वी तो हमें बनाकर दे भी की है, लेकिन मनुष्य ने अपने को पढ़ने के लिए कुछ अपने लिए एडवांस लाया। एडवांस में कहा, देखिए ये जो पृथ्वी है ना, हम आप इसको देख रहे हैं ना, ये है हमारी पृथ्वी। एक्चुअली में पृथ्वी गोल नहीं है, आपको पता होगा कि आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने कहा था पृथ्वी गोल है? सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था, मानते हैं, लेकिन पृथ्वी गोल ना है भाई साहब। पृथ्वी जो है ना, जियोड की जैसा है, पचका डच का है। ठीक है, तो लगभग लोग उसको बोलते हैं पृथ्वी गोल है। ठीक, तो पृथ्वी मान लीजिए गोल है, सही, ठीक है ना। पृथ्वी के बीचों बीच से क्या एक रेखा को मनुष्य ने पारा, काल्पनिक रेखा, एक रेखा पारा। ठीक, इस रेखा का नाम रख दिया विषुवत रेखा। इस रेखा का नाम रख दिया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक, ये जो विषुवत रेखा है ना, कितना 0 डिग्री पर है, ठीक है ना। ये जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, एक और रेखा बनाया इसके ऊपर। इस रेखा का नाम रख दिया क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री का। देखिए, जो आप देखते हैं ना, हमारा जो भारत है ना, इस विषुवत रेखा के ऊपर है, यानी जो गुजरात है ना, गुजरात, एक सेकंड आपको हम दिखा रहे हैं, गुजरात देखिए, ये है गुजरात है ना। तो गुजरात की यहां से देखिए, यहां से एक लाइन गुजरती है बीचों बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। यही है भारत, ये जो भारत जो है ना, विषुवत रेखा इसके नीचे है, विषुवत रेखा से ऊपर है भारत, ये है कर्क रेखा जो कि गुजरात से गुजरती है। ठीक, इसको नहीं हम लोग बाद में देखते हैं, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा से ऊपर एक और रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा से ऊपर एक और रेखा है, उसका नाम क्या है, आर्कटिक। इस रेखा का नाम क्या है, आर्कटिक। इस रेखा का नाम क्या रख दिया है लोगों ने, आर्कटिक, आर्कटिक। ठीक, ये है 66.5 डिग्री, ठीक है ना। विषुवत रेखा से नीचे एक और रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, मकर रेखा। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा था, उसके नीचे कौन सी रेखा है, मकर रेखा। मकर रेखा से नीचे जैसे कर्क रेखा से ऊपर एक रेखा है आर्कटिक, आर्कटिक, तो इसके भी नीचे एक रेखा है। इस रेखा का नाम है भाई साहब अंटार्कटिक। क्या नाम है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ये भी उतना ही है जितना है आर्कटिक, आर्कटिक जितना है ना, उतना ही अंटार्कटिक भी है, ठीक है ना। देखिए, लोगों को जो सूर्य हमारा है ना, सूर्य ये हमारा सूर्य है। ठीक, सूर्य जो है ना, सूर्य दो रेखाओं के बीच से चमकते हैं, कौन कौन, पहला है कर्क रेखा और दूसरा है मकर रेखा। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के बीच में चमकता है, यानी यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। सूर्य इस रेखा के ऊपर नहीं जाएगा और इस रेखा के नीचे रह जाएगा। तो आपका मतलब क्या है, सूर्य जब इन्हीं दो रेखाओं के बीच में रहेगा, तो जब सूर्य इधर आई भी ना करेगा, तो क्या इधर दिन ना होगा, दिन होगा। सूर्य जो है ना, यहाँ पर तिरछा चमकता है। सूर्य इन दो रेखाओं के बीच में चमकता है लंबवत, मतलब सूर्य चमकता है इन रेखा के नीचे और इस रेखा के ऊपर जो है ना, सूर्य जो है तिरछा चमकता है। मान लीजिए कि एक यहाँ पर हमारा बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब है हमारा। जब हम इस बॉल को बारेंगे तो फोकस तो इसका रहेगा, मेन पॉइंट यहाँ पर आएगा, लेकिन इसका फोकस जो है यहाँ पर के साथ साथ इधर भी जाएगा, फोकस इधर जाएगा, सब इधर जाएगा ना। तो सूर्य यही है,
कर्क रेखा के बीच में जब चलता है सूर्य ना तो एकदम लंबा चमकता है, जो इधर ये सब रेखा है ना तीसरा चमकता है, ठीक है ना। सूर्य देखिए, जब सूर्य इन दोनों रेखाओं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहेगा तो ज्यादा रहेगा, तो जब जब रहेगा तो सूर्य एरिया गर्म रहेगा, तो इस एरिया को हम लोगों ने अपने भाषा में नाम दे दिया उष्णकटिबंधीय। देखिए जब सूर्य जिस एरिया में रहेगा तो वहां पर गर्मी ज्यादा होगा, तो गर्मी को हम लोग उष्ण कहते हैं, उष्ण उष्ण हिंदी में गर्मी कहते हैं और इंग्लिश में हीट, जियोग्राफी में क्या कहते हैं उष्ण। तो हम लोग इसका नाम रख दिए, क्या रख दिए उष्ण, इसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम उष्ण उष्ण, ठीक। इस गर्म था तो उष्ण नाम रखा गया, एरिया है ना तो इस एरिया को बोलते हैं कटिबंध, क्या बोलते हैं कटिबंध कटिबंध। तो आप बताइए इस एरिया का क्या नाम हो गया, पूरा कटिबंध उष्ण कटिबंध। इस एरिया का कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों रेखाओं के बीच में के एरिया का नाम क्या पड़ गया, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना, समझ गए। जो अब हम लोगों ने इन दो रेखाओं के बीच में एरिया का नाम दे दिया उष्ण कटिबंध, तो जब ये भी जो दो, 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 जो जो ये रेखा और ये रेखा है इन दोनों रेखाओं के बीच में नाम देंगे ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब बताइए कि आप कहे कहा है भाई शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोल रहा है और इसको बोल रहा है कि उष्ण कटिबंध। देखिए जो सूर्य है ना, हम आपसे क्या बोले, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है, ठीक। तो क्या सूर्य इधर नहीं चमकता है, सूर्य चमकता है जाता है तीर्थ, जब सूर्य यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर प्रकाश, सूर्य इस रेखा से जब इधर आएगा तो सूर्य यहाँ से यहाँ तो दूर तो बहुत ज्यादा जाएगी, तो यहाँ पर प्रकाश उतना तेज ना जाएगा, तो एरिया तो ऑटोमेटिक ठंडा रहेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं शीतोष्ण, ठंडा को शीत बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। जब हम इसको नाम रख दिए शीतोष्ण कटिबंध और इसका नाम रख दिए दोनों का नाम उष्ण कटिबंध, तो भाई इसका भी तो नाम कुछ होना चाहिए ना, इसका नाम क्या है भाई, शीत, क्या नाम है, शीत कटिबंध कटिबंध, ठीक है ना। ये हो गया, जैसे जैसे हम जो इन दो रेखाओं के बीच में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण बोले हैं, तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं ना मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, तो ये भी होगा शीतोष्ण कटिबंध। और जो ये वाला है ना, ये होगा कौन सा, शीत कटिबंध, ये भी शीत कटिबंध हो गया, ठीक है ना। और पृथ्वी पे सबसे ठंडा जगह कौन सा है, देखिए ये हमारे पृथ्वी है, यहाँ पर सबसे ठंडा कौन सा जगह है, यहाँ पर ये जगह सबसे ठंडा है। अब इसमें भी हम लोग बांटते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ना, सबसे ठंडा जगह कौन है, टुंड्रा है या टैगा है, देखिए अब हम बता रहे हैं, ये जो पृथ्वी है ना, तो हम लोग इसको भी बांट देते हैं, ये तो आपको पता है कि ये एरिया है जो ये एरिया ठंडा है, तो इस एरिया को भी आप बांट दीजिए, इसको जब आप बांटिएगा ना इसको भी बांट दीजिए, ठीक है ना। जब इसको बांटिएगा तो ये जो नीचे वाला हो गया ना एरिया, ये नीचे वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं टुंड्रा, टुंड्रा, और इसके ऊपर वाला को बोलते हैं टैगा। तो आप ये बताइए कि सबसे ठंडा टुंड्रा होगा कि टैगा होगा, भाई ये सबसे ठंडा टुंड्रा होगा कि टैगा होगा। देखिए इस ये तो पूरा एरिया ठंडा था, अब इसमें हम नीचे बांट दिए, ये आ गया नीचे, टुंड्रा ऊपर आएगा टैगा, तो इसमें सबसे ठंडा कौन होगा, टुंड्रा होगा ठंडा, ठीक है ना। तो हम लोग इतना समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, महासागर के बारे में, इसके लिए हम नाक चला रहे हैं। देखिए महासागर तो कोई कहता है ना, यदि आप बड़ा बड़ा लेवल के एग्जाम दीजिएगा उसमें बोलता है महासागर चार है, और उसे छोटा लेवल के एग्जाम दीजिएगा वो बोलता है महासागर पांच है, और जो लड़कियां है ना एक गाना सुने है ना, सात समुंदर में पीछे पीछे तेरे आ गई है, उन लोगों के लिए सात समुंदर होते हैं। हम आपको बताते हैं सात समुंदर कौन है और चार पांच कौन सा। देखिए ये है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर। आप बोलिएगा कि भाई साहब प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है, तो ये कैसे चला गया। देखिए पृथ्वी जो है क्या है, गोल है। आप मेरे हाथ को देखिए, देखिए ये जो मेरा हाथ है ना, हम इसे अपने नोक से चिपका हुए, जब अपना हम नोक खोलेंगे तो मान लीजिए हम नोक खोले, जब नोक खोलेंगे तो नोक खोले तो कैसे, देखिए ऐसे बढ़ गया ना, नो हमारे ऐसे बंद है, जब इसे खोले जैसे बट गया ना, तो ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसे खोला, तो जैसे ही खोला ये तो पूरा प्रशांत महासागर था, जब इसे खोले ना देखिए प्रशांत महासागर जो इधर हो गया और जो इधर, तो ऐसे ही भाई साहब ये हो गया प्रशांत महासागर, ये भी हो गया प्रशांत महासागर, समझ गए। अब देखिए हम लोग प्रशांत महासागर हो गया,
ये प्रशांत महासागर, ये भी है प्रशांत महासागर, और ये जो है ना इसको हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को इस महास और इस प्रकार के जो अटलांटिक महासागर है ना इस महासागर के नाम से जानते हैं। मतलब कि ये जो है ना अटलांटिक महासागर इस आकार का है, तो हम लोगों ने इसे इस आकार का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर कहते हैं, ठीक है ना, अंध महासागर कहते हैं। ठीक, एक है प्रशांत महासागर होगा एक, और ये है अटलांटिक महासागर दो, और ये देखिए यहाँ पर है हिंद महासागर तीसर का है, यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, और चौथा है यहाँ पर कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं, दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ये हो गया 12 लेवल के एग्जाम के लिए चार हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं 5 लेवल के एग्जाम के लिए, जो जो छोटा लेवल एग्जाम होते हैं ना वो पूछते हैं ना कि 5 होते हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं 5 कौन कौन होते हैं। ये तो 4 रुकवे करेगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके बाद है नीचे लोगों ने नाम रख दिया, देखिए बोला ना, देखिए आप प्रशांत महासागर थोड़ा सा काट लीजिए, थोड़ा सा प्रशांत महासागर में से काट लीजिए, थोड़ा सा किस में से, अटलांटिक महासागर से काट लीजिए, और थोड़ा सा हिंद महासागर से काट लीजिए। इन सब में से काटने के बाद जो बचता है ना इसका नाम रख दीजिए दक्षिणी महासागर, मीन्स अंटार्कटिका महासागर, इसका नाम रख दीजिए। अब बताइए भाई साहब इसको काटना क्या जरूरत है, ये सब जब एक ही में था, आप बोलिएगा। अब बताइए जब एक ही में सब था इसको कौन काटना जरूरी था, नहीं नू तो क्या किया ना, भूगोल ना ये सबको नीचे से काट दिया, बोला ना इसका नाम रख देते हैं दक्षिणी महासागर, ना जो है ना एरिया इसको नाम रख देते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो आप समझ गए 5 होते हैं, अब देखिए 7 कैसे होते हैं। देखिए प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, ठीक, महासागर बहुत बड़ा होता है, तो लोगों ने सोचा कि मान लीजिए अगर समुद्र में जहाज जा रही है, अगर वो बाई चांस उस पर दुश्मन अटैक कर दिया, तो वो कैसे अपने हेडक्वार्टर में बोलेगी कि आइए हमको अटैक कर दिया है। हाँ भाई साहब ये बताइए, समुद्र इधर है, ठीक, समुद्र मान लीजिए यहाँ पर है एक जहाज, इस पर दुश्मन ने अटैक कर दिया, ठीक, दुश्मन इस पर अटैक कर दिया, तो ये क्या कहेगा, फोन करेगा हेलो कि आइए हमको दुश्मन मार रहा है, भेजिए पीछे से रेस्क्यू टीम, सॉरी रेस्क्यू टीम बचाने के लिए होती है, पीछे से भेजिए हमको बचाने के लिए, यहाँ पर है ना दुश्मन ज्यादा है, हमारी जनसंख्या कम है, इसको बचाने के लिए। तो वो बोलेगा अरे बाबू तू कहाँ पर है, बोलेगा प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर इतना बड़ा है, तो बोलेगा प्रशांत महासागर कौन सा प्रशांत महासागर में, तो लोगों ने प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर देखिए ये प्रशांत महासागर है ना जो ऊपर हो गया इसको हम लोग बोलते उत्तरी उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे को दक्षिण प्रशांत महासागर। तुम बोलेगा कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में फंसे हुए हैं, तुम धड़ाक देना भेजेगा यहाँ से, तो इसे कहा मान लीजिए आपसे पूछेगा कि हम आइए हम यहाँ पर रोड पे खड़े हैं, तो भाई किस रोड पे खड़े हैं, रोड तो बहुत सारा है ना, तो हम थकते खोजते खोजते आपको हम थक जाएंगे, इसीलिए बोलेगा कि आप यहाँ पर आइए, लोकेशन देगा, तो ये बोल दिया ना कि प्रशांत महासागर 2 भागों बांट दीजिए, एक उत्तर रहेगा एक होगा नीचे दक्षिण, ठीक है ना। इसके लिए अटलांटिक महासागर को भी बांट दिया उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी। अब इसको कहाँ बांटेंगे, ऊपर तो दुनिया है नीचे पानी है, इसको छोड़ दिया चाहिए, तो देखिए कहीं को 7 हुआ 2 गई 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हो गया ना, ये है समझ गए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप देखिए महाद्वीप तो आज जो हम लोग पढ़ते हैं ना महाद्वीप 7 हैं, महाद्वीप एक्चुअली में 7 नहीं है, अभी तो है मतलब 7। देखिए महाद्वीप हम लोग क्या बोलते हैं, पहला हमारा है एशिया, ठीक, ये है हमारा मान लीजिए ग्लोब हो गया, ठीक। अब हमारा कौन सा एशिया सबसे बड़ा, कौन सा है एशिया है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, ठीक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इसको ओसिनिया बोलिए, ऑस्ट्रेलिया ने ओसिनिया बताएंगे आपको भाई, ऑस्ट्रेलिया का है नहीं बोलेंगे, ओसिनिया क्यों बोलेंगे, तो 2 2 4 2 6 कितना होगा, 1 2 2 4 1 2 3 4 5 6 कौन सा छूट रहा है, एशिया
एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर अंटार्कटिका, ठीक हो गया ना साथी को सीखे बुझे। देखिए ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पहले ना जो अब हम लोग इतना पढ़ते हैं ना, पृथ्वी जो थी ना पहले हमारा पृथ्वी कैसे थी, ऐसे थी पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी ऐसे थी तो हम लोगों ने जब देखिए एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया, उसमें बोला ना 1912 में सिद्धांत दिया ना, बोला ना जो हमारी पृथ्वी थी ना पहले सब एक में था, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना महाद्वीप ना सब एक में था, क्या था सब एक में था, जो जब एक में जब था ना तो इसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम रख दिए पेंजिया। उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने इसका नाम क्या रखा पेंजिया, और जो इसके अगल बगल समुद्र है ना इस समुद्र का नाम रख दिया पैथलासा महासागर। ठीक गते गते 1820 करोड़ साल पहले इसमें परिवर्तन हुआ, मतलब ये टूट के बिखरने लगा, जब टूट के बिखरने लगा ना, जब ये टूटा ना तो दो भागों में बट गया, ठीक एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, जब ये टूट गया तो दो भागों में हो गया, छोड़िए ना हम इसे नीचे बना दे रहे दूसरा, जब ये टूटा ना तो दो भागों में टूट गया, एक ऊपर एक नीचे, ये चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे दक्षिण उत्तर और दक्षिण, तो ये जो उत्तर है ना इसका नाम रख दिया लारेसिया, क्या किया लारेसिया। ठीक ये 1820 करोड़ साल पहले टूटना शुरू किया था, दो भागों में टूटा पेंजिया है महाद्वीप, दो भागों में टूट गया लारेसिया में और गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड। ठीक टूट गया यहाँ पर दो भागों में टूट गया, जब दो भाग में टूटा ना तो इसके बाद अल्फ्रेड वेगनर थे, इनका नाम क्या था अल्फ्रेड वेगनर इन जर्मनी में थे, इन्हीं ने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ना पहले ऐसा थी एक में था, और जो बाद में उसमें टूट गया ना तो एक लारेसिया हो गया गोंडवाना लैंड हो गया, इसके बाद इन समय से टूट कर क्या हुआ सात भागों में बट गया, आज हम लोग पढ़ते एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में देखिए ये जो हम इसको बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसका ऑस्ट्रेलिया नाम ना इसका नाम है ओशिनिया महाद्वीप। देखिए जो ओशिनिया है ना ओशिनिया का में चार सबसे बड़े बड़े जगह है, पहला कौन सा मेलानेशिया, दूसरा माइक्रोनेशिया, तीसरा पोलिनेशिया, और चौथा है भाई ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मान लीजिए कि घर है, उस घर में चार बेटे हैं, तो चार बेटा में सबसे बड़ा है, मान लीजिए घर में चार बेटा है जिसका नाम है राम, मोहन, सोहन, एक नाम रवि, तो मान लीजिए इन चारों को बेटे का पापा को बुलाना होगा तो कोई क्या कहेगा सबसे बड़ा कौन सा है राम है, तो लोग क्या कहेंगे कि राम के पापा, घर में जो बेटा बड़ा होता है ना उसके नाम से उसके पापा को बुलाया जाता है, तो इन चारों में सब ऐसा ना ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा था, तो हम लोग इसको ना ओशिनिया ना बोलकर ऑस्ट्रेलिया बोलने लगे, तो हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, आप समझ गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने ओशिनिया महाद्वीप इसका नाम है, ठीक है ना। ठीक एक सेकेंड, ओशिनिया महाद्वीप है। अब हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में एशिया। देखिए एशिया महाद्वीप जो है ना, इसमें एशिया में से एक और महाद्वीप है उपमहाद्वीप भारत, नाम सुनेंगे भारत उपमहाद्वीप। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ है भारत उपमहाद्वीप इसका नाम पर है। देखिए कोई भी महाद्वीप में से ना उस महाद्वीप को जब बंटवारा होता है ना प्राकृतिक चीजों से तो उसको हम लोग बोलते हैं उपमहाद्वीप। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, हमारा यहाँ पर भारत है ना,
ये जो भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, इस पर्वत का नाम हिंदू कुश पर्वत। और जो चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत के जो बीच में ऐसे है ना एक पर्वत, इस पर्वत का नाम क्या है जानते हैं, हिमालय। क्या नाम है, हिमालय, हिमालय। और म्यांमार और जो भारत है ना इधर से, यहाँ पर है आराकाम, आराकाम, और नीचे से क्या है, समुंदर। तो आप बताइए ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप में प्राकृतिक चीजों ने इसको बंटवारा कर दिया, तो हम लोग इसकी इसीलिए बोलते हैं उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। अब आप बोलिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो पांच देश आते हैं। पहला देश कौन सा है, भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। देखिए ये है भारत, देखिए यहाँ पर दे रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो पांच आते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश। अब आप बोलिएगा कहा है इसका भाई, भारत उपमहाद्वीप बोल रहे हैं, बांग्ला उपमहाद्वीप, बांग्लादेश उपमहाद्वीप कहना बोल रहे हैं, भूटान उपमहाद्वीप क्यों नहीं बोल रहे। तो अभी आपसे एग्जांपल दिए कि जो बड़ा रहता है उसी का हम लोग नाम लेते हैं, तो इन उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा है, तो इसीलिए बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, पांच। कौन कौन, पहला देश है हमारा भारत, दूसरा का पाकिस्तान, तीसरा का अफगानिस्तान, चौथा भूटान, फिर सॉरी अफगानिस्तान ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।